हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक बिगड़ा हुआ लैपटॉप और कुछ पीसी के पार्ट्स मिलाकर एक पीसी असेंबल किया है। और उसका जो बॉक्स बनाया है उसके लिए मैंने यूज़ किया है एक्रेलिक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट, जिसके अंदर मैंने सब कंपोनेंट फिट किए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैंने ये सब बिल्डअप किया हुआ है। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। एक्रेलिक शीट को मैंने पहले ही कट कर दिया था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और ये स्क्वायर है 16x16 इंच का, और जो साइड पैनल है वो है 16x6 इंच, और इसका थिकनेस है 5 mm। अभी मैं इन सबको जॉइन कर लेता हूँ। ये हमारा बॉक्स रेडी हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये साइड में आएगा हमारा USB और ये साइड में आएगा पावर प्लग। ये है हमारा मदरबोर्ड। अब हम इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं अंदर। मदरबोर्ड को मैं दो पट्टियों के ऊपर फिट करने वाला हूँ ताकि एयर सर्कुलेशन अच्छा हो और मदरबोर्ड ज़्यादा हीट ना हो। ये पावर सर्किट है जिसको मैं स्मॉल वायर यूज़ कर रहा हूँ ताकि अंदर ज़्यादा वायर ना हो जाए इसके लिए। ये है हमारा LCD पैनल जिसको मैं फ्रंट में रखने वाला हूँ।
ये हमारा पीसी रेडी हो चुका है, अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आरजीबी लाइट का यूज़ किया प्लस वाइट लाइट ताकि एक अच्छा लुक आ सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन तो ऊपर ही, इसलिए इस पर काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक HDMI से दूसरा स्क्रीन कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे फिलहाल ये डुप्लीकेट है, तो आप चाहे तो दोनों स्क्रीन यूज़ कर सकते हो या फिर चाहे तो एक स्क्रीन यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पर विंडोज़ पी प्रेस करना, तो यहाँ पर आता है, फिर आपको एक्सटेंड करना है, डुप्लीकेट स्क्रीन करना है या फिर सेकेंडरी स्क्रीन ऑनली करना है। तो ये स्क्रीन बंद हो जाएगी और सिर्फ ये स्क्रीन ऑन रहेगी, तो ऐसे करके इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मैंने बिल्डअप किया हुआ पीसी, और इसके अंदर मैंने आरजीबी प्लस वाइट लाइट इसलिए यूज़ किया था कि एक अच्छा लुक आ सके। और इसके अंदर अगर कुछ भी कर सकते कम जाता तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर देना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ में। सेव वाटर सेव ट्रीज, थैंक यू, बाय बाय।